चिल्वाताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत मजनू चौकी क्षेत्र के उसका गांव निवासी 25 वर्षीय शिव उर्फ छोटू की सोमवार की देर रात पीट पीट कर हत्या कर दी गई। युवक के पिता रामकिशन ने पुलिस को तहरीर देकर गांव के चार युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस हत्या आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। आपको बता दें, उसका गाँव के एक युवक की शादी थी। सोमवार की रात बारात पीपीगंज इलाके में गई थी। बारात में शिव उर्फ छोटू भी गया था। वहाँ फोटो लेने को लेकर गाँव के ही कुछ युवकों से विवाद हो गया। देर रात दोनों पक्ष बारात से गाँव लौट आए, जिसके बाद दूसरे पक्ष के युवकों ने शिव उर्फ छोटू की पिटाई शुरू कर दी। घायल अवस्था में परिजन उसे लेकर मेडिकल कॉलेज गए, जहां इलाज के दौरान तड़के सुबह उसकी मौत हो गई। वहीं हत्या की सूचना पर मंगलवार की सुबह पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस फरार हत्या आरोपियों की तलाश कर रही है। इस संबंध में SP नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि बारात में हुए विवाद को लेकर गाँव में मारपीट हुई। भोर में घायल की मौत हो गई। मृतक के पिता द्वारा गाँव के ही चार लोगों के खिलाफ तहरीर मिली है। मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, रामकृष्ण का हटा कुर्चलाधारी कौन कर नेपाल में कौन कहाँ क्या भाई रहा है मर मरे वाला क्या भाई जी मरल है उनके भाई बात है अकेले लड़का है चार जने बात है सतगुरु के बारे में डिटेल बताओ रिश्ता रिश्ते जानते हो मारपीट हुई है, जिसमें शिवा पुत्र रामकृष्ण नाम के एक युवक की अस्पताल में मारपीट के उपरांत जब ले जाएगा उसकी मृत्यु हो गई है। और उसके पिता ने चार लोगों के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें पुलिस द्वारा जो है मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ये बताया जा रहा था कि ये और प्रतिपक्षी जो है बारात में गए थे, उस बारात में ही कुछ कहा सुनी हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बारात से लौटने के बाद भी गांव में मारपीट हुई, जिसके परिणाम स्वरूप ये घटना घटित हो गई। नहीं, उसी गांव के व्यक्तियों के नाम को इन्होंने नामित किया है और व्यक्तियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।